जय शंकर महाराज, हर हर शंकर, घर घर शंकर। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा पे। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा माँ कालका के दरबार से शुरू करने वाले हैं। तो सभी भक्तजन आ चुके हैं, तो भैरव बाबा का भी आशीर्वाद लेंगे। और ये हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जो आ चुके हैं। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू हो रही है टिक्कर राजपूता से, महामाई के दरबार से। हमारी यात्रा शुरू होते हुए माता कालका मंदिर, देवी के मंदिर से। जय हो महामाई, बोल सच्चे दरबार की जय। बाबा बालकनाथ जी, चल गए बाबा बालकनाथ जी। जय शंकर महादेव। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जौ विलेज और यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। यहां पे जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी सुविधाएं यहां पे हैं। और ये देखिए, 14 जुलाई से 27 जुलाई तक दोस्तों भक्तजन यहाँ पे नहाने का आनंद लेते हुए। जय शंकर। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं सिंगाड़। जय शंकर हर महादेव। जय शंकर। दोस्तों, यहाँ पे हमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, तो करवाते हैं जल्दी जल्दी, फॉर्म भरते हैं श्रीखंड महादेव यात्रा पंजीकरण। करती तो है, हो गई। ओके, जय शंकर। दोस्तों, ये हैं सिंगाड़ और यहाँ पे देख सकते हैं आप, दुकानें भी सजी हैं और लोग धड़ाधड़ अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे पंजीकरण हो रहा है और यात्रा के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन जगह जगह पे जो है इनकी, जो इनको सीट मिली है, उसको चेक किया जा रहा है। जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर हर हर महादेव। हर महादेव। जय शंकर। मम बोले। जय शंकर। जय ये रात का समय है और देख सकते हैं आप, रात के तकरीबन 11 बज गए हैं और अंधेरे में भी लोग देखो कैसे टॉर्च जला के चले हुए हैं। जय भोले। जय शंकर। और बाबा दर्शन करे आए? कब किए? कल किए थे? अच्छा, परसों किए थे। आज कहाँ था? छोटे से चले? अच्छा, कहाँ से आए आप? तमिलनाडु। पहली बार गए थे? तमिलनाडु। अकेले और भी साथ में? नहीं साहब, साथी तो बोले ना, क्या मतलब, मैं अकेले। अच्छा, आप अकेले आए? तो वहाँ से कैसे बस नहीं आए फिर?
ट्रेन। अच्छा ट्रेन में कितनी एज कितनी होगी आपकी? वेरी गुड। जय भोले जय भोले जय शंकर जय शंकर जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले। तो दोस्तों थाचू पहुंच रहे हैं हम, ये देखिए थाचू आ गया है। दोस्तों ये लगा है थाचू में लंगर और स्टार्ट हो गया है। ये देखिए और यहाँ पे देखिए मंदिर बना है भोले बाबा का। जय भोले। और यहाँ से रोज आरती की जाती है सुबह शाम भोले बाबा की। जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले। तो दोस्तों दिखा दे मुझे बड़ी खबर बोल रहा नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों सामने ऊपर वहाँ पे बैठे हैं भोले भंडारी। जय भोले। जय भोले। काली टॉप। जय भोले जय भोले जय भोले। जय भोले जय भोले। काली टॉप महामई थोड़ी बहुत ले ली है, उतनी तो है। तो दोस्तों ये है सामने कुंचा और हम पहुंच गए हैं कुंचा और इसके बाद हमारा स्टे होगा, रुकना होगा भीमद्वारी में। तो देखते हैं कब तक भीमद्वारी पहुंचते हैं हम। जय भोले जय भोले। दोस्तों यहाँ भीमद्वारी और वहाँ नीचे लंगर की व्यवस्था है। यहाँ पे एक लंगर वाला तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ना तो मैं शब्दों में बयां कर सकता हूँ ना तो आप देख के महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार यहाँ आना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से प्रकृति को कोई नुकसान ना हो जाने अनजाने में। जय शंकर महाराज। दोस्तों रात को 1 बजे ही हम अपनी यात्रा के लिए आगे भीमद्वारी से निकल गए हैं। तो बहुत ही लंबी लाइन दोस्तों, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक लंबी लाइन। मोबाइल की लाइट और टॉर्चों के साथ आपको दिख रही होगी। जय शंकर महाराज। भोले की महिमा है दोस्तों। तो दोस्तों ये है पार्वती बाग और ये माँ पार्वती का मंदिर। जय भोले जय भोले। दोस्तों ये यात्रा के दौरान अंतिम ग्लेशियर है जो श्रीखंड महादेव के बिल्कुल साथ में है, तो यहीं से आपको महादेव के दर्शन हो रहे हैं। जय शंकर महादेव।
दोस्तों अगर मौसम साफ हो तो श्रीखंड महादेव से ही आपको किन्नौर कैलाश के दर्शन हो जाते हैं। मौसम सही हो तो देखिए कुछ देर तो मौसम धुंधला सा था लेकिन बाद में मौसम साफ हुआ और हमें बाबा के दर्शन। तो सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय शंकर।